फ्रेंड्स आप लोग एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ मिस कर रहे हो, भूल रहे हो। अब याद करो कि क्या भूल रहे हो। फ्रेंड्स आज ही के दिन में मुंबई के राजापुर में एक लेजेंड पैदा हुआ था, और याद करो, गैस करो, कमेंट में मुझे बताना कि कौन है। फिलहाल मैं ही आपको उसके बारे में बताता हूँ, शॉर्ट स्टोरी बताता हूँ। तो वो लेजेंड जो था, मतलब उसने कई सारी सेंचुरियाँ मारी, 16 साल के कम उम्र में उसने मतलब साबित करके रख दिया कि एज मैटर नहीं करती आपकी, आपके अंदर बस कुछ करने का टैलेंट और जुनून और हुनर होना चाहिए। तो दोस्तों बचपन में सभी शरारती होते हैं, तो वो लेजेंड जो था वो भी शरारती था बहुत ज़्यादा 16 साल की उम्र में। तो उसके भैया ने मतलब उसको क्रिकेट के क्लब में ज्वाइनिंग के लिए, उस टाइम का जो था मतलब सीखने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, उस टाइम का सबसे बेस्ट कोच था उनके पास मतलब गए और बोला कि इनको मतलब इसको, ये मेरा छोटा भाई है, इसको स्पोर्ट्स सिखाना है, क्या आप सिखाएंगे? तो उन्होंने बोला कि अपना ऑडिशन दो। तो ऑडिशन में जानते हैं जब हम किसी को दिखा के कुछ काम करते हैं तो वो सक्सेस होता नहीं है, लेकिन पीछे में सक्सेस हो जाता। तो उसी तरह उन्होंने टेस्ट में लिया उनका, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए। तो उनके जो कोच थे उन्होंने साफ मना कर दिया, बोला नहीं भाई नहीं, ये मतलब अच्छा नहीं है, तो इसको हम नहीं देंगे ट्रेनिंग। लेकिन वही कोच एक दिन पेड़ के पीछे छिप के देख रहे थे, पता नहीं उनके मन में क्या था। तो तब वो बहुत अच्छा खेल रहा था प्लेयर, तो वो प्लेयर बहुत अच्छा खेल रहा था, तो उन्होंने बोला कि हाँ इसको सिखाना है। और अभी पता है वो बच्चा कौन है फ्रेंड्स? वो बच्चा है सचिन तेंदुलकर, द गॉड ऑफ क्रिकेट। रमाकांत आचलेकर जो मतलब उनके ट्रेनिंग कोच थे, तो उनके सामने वो एक बार खेल रहे थे सचिन तेंदुलकर। तो मतलब रमाकांत ने बोला भाई तू नहीं खेल पाएगा, क्यों? क्योंकि मतलब तेरा बैट पकड़ने का स्टाइल बहुत ख़राब है, तू बहुत ही ज़्यादा नीचे से बैट पकड़ता है। तो इस बात पर सचिन ने उनसे रिक्वेस्ट किया, सचिन तेंदुलकर जी ने उनसे रिक्वेस्ट किया और बोला कि मतलब नहीं, मुझे ऐसे ही मतलब शुरू से आदत है और ऐसे ही कंफर्टेबल लगता है, मैं ऐसे ही खेलता हूँ अच्छा। तो मतलब अगर मैं थोड़ा ऊपर करके बैट पकड़ूंगा तो मुझे अनकंफर्टेबल फील होगा, जिसके कारण मैं अच्छे से नहीं खेल पाऊँगा। तो उनके जो कोच थे उन्होंने मतलब उनको एडवाइस दिया सचिन तेंदुलकर जी को कि मतलब बहुत अच्छा खेलते हो तुम चले जाओ श्रद्धा आश्रम स्कूल चले जाओ, मतलब वहाँ की क्रिकेट की टीम बहुत अच्छी है, तो वहाँ तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। और उनके कहने पर सचिन तेंदुलकर जी वहाँ गए। कुछ ही दिनों बाद वहाँ आपस में मतलब मैच हुआ और वहाँ जूनियर क्रिकेट अवार्ड मिलने वाला था। सब लोगों को लगता था कि सचिन तेंदुलकर ही जीतेंगे, लेकिन वो नहीं जीते, वो हार गए उस मैच में। अगर सच बोल रहा हूँ, उनकी जगह कोई होता ना तो मतलब छोड़ देता कि माँ हाँ इतने देर से इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, नहीं चलो यार मैं हार गया, छोड़ देते हैं। लेकिन उसने हार नहीं मानी और वो क्रिकेट में लगे रहे। तो फ्रेंड्स आपको एक बात बता रहा हूँ मैं, ज़िंदगी अगर कुछ देती है तो कुछ लेती भी है, और वो क्या लेती है पता है? ज़िंदगी लेती है हर इंसान का इम्तिहान। 14 नवंबर 1987 को रणजी ट्रॉफी के लिए मुंबई में मैच हुआ और सचिन को लिया गया, लेकिन किस लिए लिया गया पता है? खाली फील्डिंग करवाने के लिए। इससे वो और टूट गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक साल बाद मतलब इतने देर से, तो अब दो बार से तो वो अपना गुस्सा मतलब जमा करके रख रहे थे, एक ही बार बाहर निकालने के लिए। और एक साल बाद मुंबई की तरफ से उन्होंने खेला गुजरात के खिलाफ, और इस बार उन्होंने अपना सारा गुस्सा निकाल दिया इस मैच में। इतना गुस्सा निकाला ना कि उन्होंने अपने फर्स्ट मैच में ही सेंचुरी मार दी। और फिर 1988 से लेकर 1989 तक पूरे मुंबई के सीरीज में उन्होंने खेला और सबसे ज़्यादा रन मारने वाले प्लेयर बने। राज सिंह डूंगरपुर जो कि उस समय के एक सेलेक्टर थे, उनको इनके बारे में पता चला। तो जैसे ही उनको पता चला और उन्होंने देखा कि इस बंदे के पास टैलेंट है, क्रेजी है मतलब, तो इसका सही जगह पर यूज़ करें, तो उन्होंने क्या किया कि इनको इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम में ज्वाइन कर लिया। और आपको बता दूं नॉलेज के लिए फ्रेंड्स कि सचिन तेंदुलकर जो है वो एक ऐसे मात्र एक ही खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 100 सेंचुरीज मारने का। इनके पास टोटल 5 अवार्ड्स हैं फ्रेंड्स। और आपको बता दूं कि भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाले मतलब ये पहले व्यक्ति हैं भारत रत्न अवार्ड जीतने वाले। आई होप कि अब आपको सचिन तेंदुलकर के बारे में नॉलेज हो गया होगा। एंड ऐसे ही और फैक्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।